राधे राधे दोस्तों, आज हम ये बहुत ही टेस्टी सा मुठिया की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो ये लौकी से बना है और ये साथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनती है और टेस्टी तो होता ही है। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ 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 एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस हेल्दी सा मुठिया बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम 500 ग्राम लौकी लिए थे, इसे इस तरह से कद्दूकस कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने आटा लिए हैं, तो 3 प्रकार के आटे लिए हैं, बेसन और रागी का आटा और गेहूं का आटा, तीनों को एक एक कटोरी लिए हैं। उसके बाद से आप चाहें तो बजरा का आटा या मक्का का आटा भी ले सकते हैं। उसके बाद से देखिए इसमें हम मसाले ऐड करेंगे लौकी में। तो यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा साबुत वाला और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, 2 चम्मच लेंगे भर के यहाँ पर धनिया पाउडर, धनिया का पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। उसके बाद से लेंगे 1 चम्मच यहाँ पर गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी लेंगे कसूरी मेथी थोड़ा सा इस तरह से करके हाथों से क्रश करके, और थोड़ा और अच्छा टेस्ट के लिए यहाँ पर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा कूटा हुआ ले लेंगे, और लेंगे यहाँ पे सफ़ेद वाला तिल। तो यहाँ पर 3 चम्मच सफ़ेद वाला तिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बहुत ही बढ़िया नाश्ते में क्रंच आएगा। मसाला ऐड करेंगे, उसके बाद से देखिए जो हमने आटे लिए हैं 3 प्रकार का, थोड़ा थोड़ा करके इससे हम मतलब इसमें मिक्स करेंगे लौकी में। लौकी के पानी बिल्कुल नहीं निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा आटा को हम डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करते समय ध्यान रखेंगे इसे ज़्यादा हाथों से प्रेस करके नहीं मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने आधे आटे का इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद से स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, हमें थोड़ा सा इसकी थिकनेस थोड़ा सा और टाइट रखनी है, तो यहाँ पर नमक डाल देंगे या थोड़ा थोड़ा और बेसन, बाजरे के और रागी का आटा और गेहूं का आटा मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 कटोरी का आटा पूरा इसमें मिक्स हो गया है। अगर आपको थोड़ा सा और कम लगे तो यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने मिक्स कर लिए, उसके बाद से डालेंगे यहाँ पर ये धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता यहाँ पर खूब ज़्यादा ढेर सारा डालेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद से यहाँ पर थोड़ा सा हाथों में चिपक रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच करीब ऑयल लेंगे, क्योंकि हमने बेसन का इस्तेमाल किए हैं तो थोड़ा सा चिपक रही हाथों में, बस इसे डाल लेंगे। और यहाँ पर हमारा परफेक्ट है मुठिया का डो। तो देखिए इतना बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, इतना सब मसाले ऐड किए हैं। तो बस हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इस तरह से मुठिया का शेप देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से मुठिया का शेप दे देंगे और इसे एक अलग प्लेट में रख लेंगे। उसके बाद से हम इसे बॉयल करेंगे, तो यहाँ पर हम इसे स्टीम से पकाएंगे, तो सारे मुठिया का शेप दे देते हैं। उसके बाद से हम इसको स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर गैस पे कढ़ाई में रख लिए हैं पानी, उसके बाद से ये जाली वाला बर्तन लिए, इसमें थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस कर लिए थे। सारे मुठिया को इस तरह से रख लेंगे, उसके बाद इसे ढक के 15 से 20 मिनट तक स्टीम करेंगे। तो देख सकते हैं 20 मिनट हो चुका है, बहुत ही अच्छे से ये स्टीम हो गया है। तो इसे निकाल लेंगे और इसका छोटा छोटा पीस कट करेंगे। तो देखिए इसका खास बात क्या है, आप एक बार में इसे ज़्यादा बना सकते हैं और 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख लें, और जब भी खाने का मन हो तो इसे फ्राई करके खा लें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो देखिए हमने यहाँ पर 3-4 मुठिया को कट कर लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद इसे थोड़ा सा सेलो फ्राई करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल में थोड़ा सा जीरा और राई, काली वाली राई डाल के थोड़ा चटका। देखिए यहाँ पर तड़क गया है, उसके बाद से अपने कटा हुआ यहाँ पर मुठिया डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए इसे फ्राई करते हुए करीब 3 मिनट हुआ है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है। थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पर हरा धनिया और इसे मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी सा हमारा मुठिया बनके तैयार है। इसे धनिया की चटनी और ये इसी तरह से खाए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे कहीं आप ट्राइबल एरिया में जा रहे हो तो वहाँ पर भी इसे बना के ले जा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए आप लोगों के बाय।